तो जी नए किचन में हमने माहौल बना लिया ये ग्रे है, और मैंने कहा जो सबसे पहले रेसिपी शूट करनी है ना, वो भी एक ग्रे शर्ट के साथ ही शूट करनी है। क्यों? क्योंकि कलर्स तो खाना ले आएगा ना, ऐसी एक कलरफुल डिश जिसमें हरा भी है, लाल भी है, पीला भी है, हर कलर है, वो है भुर्जी, वो भी पनीर की। तो इस ग्रे माहौल में आपके लिए सबसे पहली रंगीन डिश पनीर भुर्जी। देखिए, कुछ समय पहले जब मैंने ये कहा था कि पनीर शब्द हमारा नहीं है, बहुत सब लोग गुस्से हो गए थे, तो मैंने एक लिंक भेजा था कि देखिए पनीर करके एक किस्म का चीज़ होता है जो टर्की में मिलता है, और वहाँ से जो शब्द है वो आया है। तो माय स्टोरी स्टिल स्टैंड्स, यू नो, और इसमें कुछ बुरा नहीं है कि हमने लोगों से चीज़ें ली हैं, लोगों ने भी हमसे बहुत कुछ लिया है। सो इट इज़ ओके एंड इट्स एक्चुअली नाइस कि हम जो बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से आई और आज हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब फॉर मी इट शोज द पावर ऑफ अ कंट्री कि अगर हिंदुस्तान में इतना पैसा और इतनी पावर थी कि सब लोग अपना हुनर, अपनी प्रोड्यूस यहाँ ला के लोगों को खिलाना चाहते थे, तो इट्स गुड, नथिंग रॉन्ग विद इट। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर नहीं, दूध। भाई ऐसा है ना कि मैंने कहा लगे हाथ मैं पनीर कैसे बनाता हूँ वो भी दिखा देता हूँ, वो भी ज़रूरी है, और दूसरा पनीर लेके और फटाफट से उसकी भुर्जी बनाना तो आसान है, वो तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा? तो मैं जब भी पनीर बनाता हूँ मैं अपने दूध में डालता हूँ थोड़ा सा दही। क्यों? भाई एक तो वो हल्की सी खटास देता है, दूसरा रिचनेस देता है दही, और दही की जो क्रीमीनेस होती है वो पनीर में चार चांद लगा देती है, सबको तो बताइएगा। और उसके बाद मैं दूध में डालता हूँ थोड़ा घी, थोड़ा, हाँ ज़्यादा नहीं, हेलो जी, और उसके बाद इसको चलाते हैं, और चलाते ही जाते हैं, ये देखो धीरे धीरे दूध फट रहा है ना, कोई जल्दी नहीं हमको। जल्दी में क्या होगा, दूध तो फट जाएगा, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन रबरीनेस आ जाएगी उसके अंदर, एक रबरी हो जाएगा, और रबरी नहीं करना उसको, हमको करना है एकदम मलाई जैसा विनेगर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अच्छा मैं क्या करता हूं, कुछ ना कुछ फ्लेवर अगर पनीर बनाता हूं तो डाल देता हूं हमेशा, कभी उसके अंदर भून के जीरा डाल दिया, आज जो है दूध में ये हल्का सा हरी मिर्च डाल देता हूँ, हरी मिर्च का फ्लेवर लाने के लिए। तो ये हरी मिर्च का फ्लेवर दूध में गया, और धीरे धीरे थोड़ा दही और थोड़े सिरके को उसका काम करने देते हैं, साथ में डालते हैं थोड़ा सा नमक, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन ये पानी बहुत काम का है, ये सिर्फ पानी नहीं है ठाकुर, जितने भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो पीते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट, यानी कि वे से प्रोटीन जो निकाला हुआ है वो, और ये जो पनीर का पानी है यही वो वे है, यानी कि प्रोटीन में रिच है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए इसको तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, वे प्रोटीन आइसोलेट। बस जैसे ही दूध फटता है और नहीं चलाना उसको, अभी ये कम्प्लीटली फट गया ना, और नहीं चलाना, और चलाएंगे तो फिर से वो रबड़ हो जाएगा जी। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसे ही पनीर निकले उसको ठंडे पानी में धो लीजिए, आप चाहे तो धो सकते हैं। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, जब भी मैंने पनीर को ठंडे पानी में धोया है ना, तो मुझे लगा है कि पनीर थोड़ा सा रबरी हो गया है। तो अभी ये जो पनीर है इसको लेना है और लेके टांग देना है या दबा देना है,
लेकिन यहाँ पे इसको ना मैं टांगूंगा ना मैं दबाऊंगा। पूछे क्यों? इसकी भुर्जी बनानी है ना। और भुर्जी बनाने में बाद में तो इसको मैश करना ही है, तो अभी क्यों टाइम वेस्ट करें? है कि नहीं? तो ऐ लो जी, आप जरा इसको प्यार मोहब्बत से देख लीजिए। ये है एकदम फ्रेश कॉटेज चीज, इटली में इसे बोल देते हैं रिकोटा। तुलसी के पत्ते अगर मिल जाए ना, हो पनीर के अंदर तुलसी के पत्ते इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द टेक्सचर, बाद में क्रम्बल ही करना है, बट अभी इतना हमने पनीर पनीर किया है तो आपको एक अंदाजा भी लगना चाहिए कि मामला है क्या। अब ये जो हमने कुतुब मीनार बनाई है इतनी मेहनत से, इसको सिंपली क्रम्बल करना है बस। ये लो, आप ये सोच रहे होंगे ना कि यार पनीर मतलब हमारा तो देश ही दूध घी का है, तो पनीर तो हमारे देश का बड़ा अहम हिस्सा है। पता नहीं कितनी सदियों से, कितने हजारों सालों से पनीर हम बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पनीर बहुत हाल में हिंदुस्तान में आया, कब आया ये साहब बताएंगे। अब पनीर का जो कल्चर है, वो पनीर का कल्चर बहुत लेट शुरू हुआ हिंदुस्तान में। अगर हम ये कहें कि पनीर या दूध फाड़ने का जो कल्चर है वो हमेशा से हिंदुस्तान में था, नहीं था। बिकॉज जिस हिसाब से हमने हमेशा गाय की और गाय के दूध की पूजा की है, तो उसको फाड़ना बहुत बुरा माना जाता था। एक किस्म से लगता था कि आपने प्रसाद की इंसल्ट कर दी। लेकिन ईस्ट इंडिया में ये कहा जाता है कि छाना जो है वो बड़े टाइम से बन रहा था, दूध को बड़े टाइम से कर्डल किया जा रहा था। नॉर्थ इंडिया जहाँ पर आज पनीर फेमस है, वो हमेशा से दूध को पूजनीय मानता था। इसके लिए पनीर हिंदुस्तान में 100-150 साल पुराना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने दूध फाड़ना सिखाया, धीरे धीरे लोगों को बोला भाई इट इज़ ओके इफ़ यू कर्डल योर मिल्क एंड इट्स ऑल राइट, एंड दस वॉज बॉर्न द पनीर। सो द नॉर्थ इंडियन पनीर एज वी नो इट इज स्टिल वेरी रीसेंट। अपसेटिंग मे बी, बट दैट्स ट्रू। एनीवेज, मूविंग ऑन, हंसते खेलते बन गया पनीर। वैसे ही हंसते खेलते सब्जी काट के, हंसते खेलते भुर्जी बना के, हंसते खेलते डकार मार के सो जाते हैं। कोई भी दूध की चीज़ बनानी है ना, तेल नहीं डालना, क्योंकि जब घी है हमारे पास तो चिंता की क्या है बात। कोई भी एनी मिल्क प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली घी के साथ जाएगा, ठीक है। सो जीरा गया, जीरे के बाद प्याज गया बारीक कटा हुआ, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, प्याज को ना सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, उसका टेक्सचर नहीं लूज होना चाहिए। हल्का सा सॉफ्ट किया और ये टमाटर डाल दिया, साथ में डाल दी हरी मिर्च। ये अभी भी टेक्सचर लूज नहीं होना देना इसका, मतलब सॉफ्ट नहीं करना है इसको। सॉल्ट, सॉल्ट के बाद हल्दी, थोड़ी मिर्च, सिर्फ हल्दी का रंग उभारने के लिए, मतलब मेरी दुनिया में आप चाहें तो और मिर्च डाल सकते हैं। एंड डन। और उसके बाद कुछ नहीं है जी, बस आ लो चक्की जाओ फटे। अब इसमें रणवीर बरार का एक चीट कोड, गैस बंद करने के बाद चूल्हा बंद, इसे मैंने डाला थोड़ा सा दही, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब इन समझ लीजिए कि इतने सब में सिर्फ 3 टेबलस्पून। अभी दही से क्या होता है ना, और ये दही तब भी डालना है जब आप सर्विस करने के लिए रेडी हैं, यानी कि जब आप खाना परोसने के लिए तैयार हैं तब इसमें दही डालना है, क्योंकि एक खटास बहुत ज़रूरी होती है पनीर भुर्जी में।
और वो खटास और वो नरमी, ये देखिए जो टेक्सचर है वो दही से ही आता है। ये गया धनिया, ये बहुत ज़रूरी है जी, इसके बगैर जो है पनीर भुर्जी नहीं होती। तो जी इसका बना सकते हैं सैंडविच या फिर खा सकते हैं परौठों के साथ, पंजाबी परौठे ही बोलते हैं, ये पराठे थोड़ी ना बोलते हैं, पराठे तो लखनऊ में बोलते हैं, पंजाब में परौठे बोलते हैं। हेलो जी, सिंपल है, है? पनीर बनाना सिखा दिया, भुर्जी बनानी सिखा दी, अब ये सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इतने सारे दिन होते हैं हफ्ते में, एक दिन तो ट्राई करोगे ना आप, और ट्राई करके एक बार, सिर्फ एक बार बता देना कि कैसी बनी थी। ऑल द बेस्ट।